रीवा जिले के सिरमौर नगर परिषद स्थित पॉश कॉलोनी दुर्दशा का शिकार है। आमल ये है कि जवाहर नवोदय मार्ग में जगह जगह जल भराव है, जबकि इस रोड में न्यायिक अफसरों का बंगला है। वहीं आवासीय विद्यालय होने के कारण बच्चों सहित परिजनों का दिन भर यहाँ आना जाना लगा रहता है, जिस वजह से समस्या और बढ़ रही है। शुक्रवार की सुबह गड्ढे में पानी भरे होने की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद SDM नीलमणि अग्निहोत्री मौके पर पहुंचे हैं, जिन्होंने तत्काल ठेकेदार को बुलाकर फटकार लगाते हुए 24 घंटे के भीतर गड्ढे को भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साथ में ये कहा है कि कम से कम सड़क को चलने योग्य बना दें। सिरमौर SDM नीलमणि अग्निहोत्री ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र की सड़क में जल भराव की जानकारी आई थी, जिसके बाद मौके पर इसका जायजा लिया गया, क्योंकि इस मार्ग में न्यायाधीश गणों का निवास है, साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे और स्टाफ का आना जाना भी लगा रहता है। ऐसे में सिरमौर नगर परिषद के CMO DL तिवरे और उनके स्टाफ को भी बुलाया गया, त्वरित निर्णय लेते हुए संबंधित ठेकेदार को 24 घंटे का समय दिया गया है। पता चला है कि इस मार्ग का टेंडर 3 महीने पहले हुआ है, लेकिन बारिश के कारण कार्य की शुरुआत नहीं हो पाई है। हालांकि ठेकेदार ने समय पर कार्य करने का आश्वासन दिया है। देखिए क्या है कि इस रोड का टेंडर लगभग 3-4 महीने पहले हुआ है। उनको ठेकेदार यहाँ पे आए हैं, CMO भी हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। आज मॉर्निंग में कुछ पत्रकारगणों ने शिकायत करी थी कि यहाँ पे आवागमन के लिए सुविधा अच्छी नहीं है, तो चूंकि अभी बरसात चल रही है तो ठेकेदार को यह बोला गया है कि तत्काल विदिन 24 आवर 24 घंटे के अंदर उसको चलने योग्य बना दिया जाए, और उसके बाद आप अपना जो GSB वर्ग है, PQC है या DLC है, जो भी करना है वो करते रहें, लेकिन इसको मोटरेबल इमीडिएट बना दें, और मोटरेबल बनाने के बाद ताकि लोगों का आवाजाही सामान्य सुचारू रूप से हो सके, क्योंकि ये रास्ता वास्तविक तौर पर यहाँ न्यायाधीश लोगों का भी मकान है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो अपना नवोदय विद्यालय है वहाँ के बच्चे भी आवाजाही बीच बीच में करते रहते हैं, तो इसलिए यह सुगम बनाना तत्काल अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए 24 आवर का अवसर दिया है, 24 घंटे के अंदर उन्होंने ठेकेदार ने वादा भी किया है कि काम कर देंगे।